गाड़ी दुर्गापुर में जीएसटी में बंद हो गया था और 5 दिन बाद आज मेरी गाड़ी रिलीज हुआ, छूट गया है। अब मेरा सफर फिर दिल्ली का है, कलकत्ता से दिल्ली का लोड हुआ है तो कंटिन्यू जारी हो गया फिर सफर। अब यहाँ दोस्तों शाम के 4 बज गए और हम आ चुके हैं झारखंड में। चलते हैं फिल्टर साफ करा लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है, गाड़ी फिट भी नहीं रहा उसके वजह से और टायर भी थोड़ा चेंज कराना है। टायर अल्टी पल्टी देखते हैं। अगर रात के 9:30 बज गए हैं और दुकान पे हम आ चुके हैं चाय पीने के लिए। पंकज भैया से मुलाकात हुआ नहीं क्योंकि वो अभी सिलीगुड़ी के तरफ है, उनके घर के पास में ही चाय का दुकान, तो यही होटल पे रुके हैं चुटिया में। चले ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, सेव भाजी ऑर्डर किए हैं। दोस्तों अपना खाना आ गया है, देखिए सेव भाजी है, रोटी है, चलते हैं। दोस्तों मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप देखे थे मेरी गाड़ी दुर्गापुर में जीएसटी में बंद हो गया था और 5 दिन बाद आज मेरी गाड़ी रिलीज हुआ, छूट गया है। अब मेरा सफर फिर दिल्ली का है, कलकत्ता से दिल्ली का लोड हुआ है तो कंटिन्यू जारी हो गया फिर सफर। अब यहाँ से चलते हैं। अब मौसम भी बड़ा सुहाना है, ये देखिए एकदम हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, मौसम सही है। तो यहाँ से आप निकलते हैं, अभी अपना बंगाल का सफर यहाँ से 50 किलोमीटर रह जाता है, चिरकुंडा यहाँ से 50 किलोमीटर है, उसके बाद झारखंड चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर सफर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं। दोस्तों शाम के 4 बज गए और हम आ चुके हैं झारखंड में। चलते हैं फिल्टर साफ करा लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है, गाड़ी खींच भी नहीं रहा उसके वजह से और टायर भी थोड़ा चेंज कराना है। टायर अल्टी पल्टी देखते हैं अगर करेंगे। टायर दुकान देखिए सामने, टायर है, टायर दुकान है, अपना एक टायर दबा रहा, देखते हैं अगर हो जाएगा तो करा लेते हैं, उसको अल्टी पल्टी कराना है टायर को। तो चलिए देखते हैं मिस्त्री क्या बोलते हैं। दोस्तों अपना फिल्टर भी साफ हो गया, ग्रीस भी करा लिए और टायर भी अल्टी पल्टी करना था वो भी हम करा लिए, हो गया अपना काम। और अभी हमको यहाँ से तुरंत निकलना भी है क्योंकि अपना 5 दिन वहाँ सेंटेक्स पे गाड़ी जो खड़ा रहा तो अपना बेबिल का टाइम भी बहुत कम है, तो दिल्ली हमको पहुंचना होगा 30 तारीख तक, गाड़ी यहाँ दिल्ली हमको लगाना है और सफर भी अभी 1200 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली का बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपना सफर अब कंटिन्यू सफर जारी करते हैं और चलते हैं जहाँ तक। तो रात के 9 बज गए हैं और हम पहुँच चुके हैं बरही और शीशा अपना गंदा था, शीशा भी साफ कर लिए। चलते हैं पीछे दुकान है चाय का, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद यहाँ से अपना सफर कंटिन्यू जारी रखते हैं क्योंकि गाड़ी अपनी जीएसटी में बंद हो गया था तो काफी लेट हो गया है, पहुंचाना जल्दी है। पार्टी वाले को भी बार बार फोन कर रहा भैया आइए जल्दी, तो देखते हैं आज पूरी रात में कितना गाड़ी चलता है, चला पाते हैं। तो चलिए पीछे चाय की दुकान है, चाय पीते हैं फिर उसके बाद अपना सफर यहाँ से कंटिन्यू जारी रखते हैं। रात के 9:30 बज गए हैं और दुकान पे हम आ चुके हैं चाय पीने के लिए। पंकज भैया से मुलाकात हुआ नहीं क्योंकि वो अभी सिलीगुड़ी के तरफ है, उनके घर के पास में ही चाय का दुकान है। तो चलिए चाय पीते हैं और यहाँ से फिर अपना सफर कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो अभी भी अपना दिल्ली तो जानते हैं 1100 किलोमीटर जाना है और ये भैया का दुकान है, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ मिलता है दुकान में इनका, देखिए बहुत ऐसा चीज है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अभी भैया का दुकान पर चाय पीते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। बज गए हैं और हम आ चुके हैं बिहार में, अपनी एंट्री हो गई है, झारखंड अपना सफर खत्म हो गया है। अभी यहाँ रुके हैं क्योंकि झारखंड से घाट ढूले थे चौपारण घाट, टायर और लेदर ब्रेक पकड़ पकड़ के तो गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर यहाँ से चलते हैं। अभी देखिए अपना बिहार का भी टोटल यहाँ से सफर 250 किलोमीटर है, फिर यूपी आ जाएगा।
तो देखिए अभी तो 11 बज रहे हैं रात को, कितना चल पाते हैं, और सफर तो कंटिन्यू अपना रखना ही है। रात के 2:30 बज गए हैं, यहाँ हम पहुँच चुके हैं जोगिया में, औरंगाबाद भी हमारा पार हो गया है। अब यहीं पे लगा के सोने का प्रोग्राम है, तो चलते होटल पे रोटी खाएंगे और यहीं पे सो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर अपना सुबह चलेंगे उठ के। अभी बिहार में ही है दोस्तों, तो चलते हैं होटल में रोटी खाते हैं। तो यही होटल पे रुके हैं जोगिया में, ये होटल है, ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, सेव भाजी ऑर्डर किए हैं दोस्तों। अपना खाना आ गया है, देखिए सेव भाजी है, रोटी है, चलते हैं खाने। दोस्तों खाना खा के अपनी गाड़ी में आ चुके हैं और टाइम भी 3 बजने वाले हैं, और सुबह मतलब दोपहर में 12 बजे हम वहाँ से चले थे दुर्गापुर से, GST जहाँ से गाड़ी छोड़ा था, और अभी यहाँ पर औरंगाबाद पार करके मेरा 350 किलोमीटर का सफर भी पूरा हो गया। अब चलते हैं सोते हैं, गार्ड साहब हैं होटल में, 6 बजे बोले हैं जगा देंगे, जगाएंगे 6 बजे। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट सफर के साथ, तब तक के लिए बाय।